वंदे मातरम शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों, पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कि APAR यानी APAR ID है वो किस तरीके से बनानी है, पूरा प्रोसेस लाइव करके बताया था। एक स्टूडेंट की APAR ID है वो UDIS पोर्टल पे जाकर के किस तरीके से बनानी थी, मैंने पूरा प्रोसेस लाइव बताया था। आज बात करेंगे इससे संबंधित पूरी प्रक्रिया की, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कल मैंने आपको कहा था कि सहमति पत्र है वो किस तरीके से आपको प्राप्त करना है, यानी ये जो सहमति पत्र है APAR ID बनाने के लिए विद्यार्थी के माता पिता या कानूनी अभिभावक की जो सहमति है वो आपको फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, क्या लैंग्वेज होगी, सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा, फॉर्मेट कहाँ मिलेगा वो भी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो छात्र पंजीकरण प्रक्रिया प्रवाह यानी किस तरीके से स्टूडेंट का पंजीकरण होगा, तो इसके लिए UDIS पोर्टल, जो UDIS प्लस पोर्टल है उसके माध्यम से फिलहाल APAR ID है वो निर्माण की जाएगी। और इसके लिए किस तरीके से काम करना है, तो सबसे पहले तो इसके लिए पहले चरण में अभिभावक शिक्षक बैठक PTM का आयोजित किया जाना है, और PTM में जो भी छात्रों के माता पिता आते हैं उनको APAR ID के संबंध में विस्तार से जानकारी देनी है। उसके बाद में माता पिता से अभिभावकों से सहमति पत्र है वो उपलब्ध करवाना है और उनसे साइन करवा के लेना है, और सहमति पत्र में माता पिता के जो भी पहचान का दस्तावेज है उसके मार्क्स और उनके यानी जो भी दस्तावेज उसकी डिटेल्स आपको लेनी है, और सहमति पत्र पे नाबालिग जो छात्र हैं उनके लिए माता पिता की अनुमति पत्र भर करके उस पर हस्ताक्षर करवाने हैं, और स्कूल है वो छात्र छात्रा और माता पिता की पुष्टि करेगा। अब APAR के बारे में सबसे पहले तो माता पिता और स्टूडेंट को जानकारी देनी कि ये क्या है, मैंने कल विस्तार से बताया था, और इसके लिए जो भी भौतिक सहमति पत्र है वो आपको इकट्ठा करना है यानी माता पिता से भरवा करके उनके साइन करवा के लेना है, उसकी एक फाइल बना लेनी है, और सहमति पत्र प्राप्त करने के बाद अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की जा सकती है। और उसके बाद में अब यहाँ से आपको जैसे APAR मॉडल जो यानी APAR बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको UDIS पोर्टल पर जाकर के अपने विद्यालय लॉगिन में स्टूडेंट जो मॉड्यूल है वो खोलना है, और उसमें आपको APAR मॉड्यूल टैब पे जाना है, वहाँ आपको कुछ जानकारी जो पुष्टि करनी है जो विशेष रूप से ध्यान देना है वो एक तो स्टूडेंट का नाम है उसकी पुष्टि करनी है, वो नाम उसके आधार में और UDIS पे और विद्यालय के रिकॉर्ड में 10वीं की मार्क लिस्ट वगैरह जो भी जिस भी क्लास में उसके अनुसार सही हो, लिंग उसका सही हो मेल फीमेल वगैरह, जन्मतिथि सही हो, माता पिता का नाम सही हो, आधार संख्या सही हो, आधार में और उसके स्कूल के नाम में अगर कुछ मिसमैच है तो सबसे पहले उसको आधार वगैरह को ठीक करवाने के लिए कहें, और उसके बाद में UDIS प्लस और के APAR मॉडल पर जाकर के APAR ID बना सकते हैं। किस तरीके से बनानी है पूरा मैंने प्रोसेस लाइव करके बता दिया, कल ही वीडियो अपलोड किया था, उसी वीडियो को का लिंक मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन से दे दूंगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब APAR ID की सफलतापूर्वक अगर बन जाती है यानी विवरण के बाद में सफल पुष्टि के बाद में APAR ID बनाई जाएगी, और उस APAR ID को स्टूडेंट को सुरक्षित रूप से रखने के लिए कहना है, उनको नोट भी करवानी है, और इससे क्या होगा कि छात्र डिजी लॉकर में जा करके अपने खाते को डिजी लॉकर को लॉगिन कर पाएगा, और माता पिता को उनके आधार से जुड़ा जो भी मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर एक पुष्टिकरण SMS भेजा जाएगा। उसके बाद में APAR ID साझा करनी कैसे करनी, तो APAR ID निर्माण के बाद स्कूल APAR ID को छात्रों और उनके माता पिता को प्रदान करेंगे, इसके अतिरिक्त स्कूल प्राधिकृत अपने स्कूल ID कार्ड में भी APAR ID का उल्लेख करेंगे, और UDIS पोर्टल पर अपडेट किए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अभिभावकों को एक पुष्टिकरण SMS भेजा जाएगा। और अगर मान लो APAR ID बनाने में कोई विफलता होती है तो उसके लिए इसके हेल्पलाइन नंबर टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं, यानी असफलता होती है कोई भी त्रुटि होती है तो UDIS पोर्टल पे प्राधिकृत जो त्रुटि संदेश अगर लिखा हुआ आ रहा है दिखाई दे रहा है तो माता पिता आवश्यक सुधार के लिए कॉमन सेवा केंद्र यानी CSC पे भेज सकते हैं। नहीं जैसे मान लो आधार में कोई मिसमैच है तो सबसे पहले उसको आधार अपडेट सेंटर पर उनको भेजना है, और वहाँ जाकर के वो अपने स्टूडेंट के आधार वगैरह सही करवाएं, और अगर मान लो टेक्निकल कोई इशू है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 1800889 3511, ये इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो हो गई, अब स्कूलों के लिए क्या क्या पॉइंट्स है, तो नवीं से बारहवीं कक्षा तक प्राथमिकता देते हुए चरणबद्ध तरीके से अभिभावक शिक्षक PTM बैठकें आयोजित करनी है, और PTM के लिए स्कूल प्राधिकृत माता पिता में से किसी एक को उनके जन आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज के साथ आमंत्रित करना है, क्योंकि माता पिता का कोई ना कोई एक ID प्रूफ है वो जरूरी होगा, और PTM में APAR पर 15-20 मिनट का जागरूकता सत्र आयोजित करें, यानी उनको माता पिता को जानकारी देनी है कि ये APAR क्या है, ये नंबर कहाँ कहाँ काम आएंगे, और उसके बाद में
पूरा उसके लिए वीडियो या दस्तावेजों को आप दिखा सकते हैं। माता पिता की भौतिक सहमति लेनी है और उसके लिए उसके बाद में यूडीएस पोर्टल पर जाकर के ये सारी चीज़ें एक बार चेक करनी है। छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, अन्य खास करके आधार नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह ये सारे देख लें एक बार। सभी चीज़ें सही हो उसके बाद ही आईडी बनानी है और आईडी बनाने के बाद अगले दिन शिक्षक छात्रों को अपर आईडी साझा करेंगे, यानी स्टूडेंट को वो नोट करवानी है और स्कूल का जो भी आईडी कार्ड वगैरह उसमें भी अपर आईडी है वो आगे से मेंशन की जाएगी। और इसके अलावा इस संबंध में छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों से अपर आईडी के बारे में ऑडियो, वीडियो या जो भी बाइट्स वगैरह है उनको इकट्ठा करके उनको बच्चों को साझा करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, तो क्या है कि अपार क्या है? तो अपार एक का अर्थ है स्वचालित यानी ऑटोमेटेड स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री, यानी एक तो ऑटोमेटिक है, स्थायी है, परमानेंट नंबर है और एजुकेशनल नंबर है और खाता यानी अकाउंट रजिस्ट्री नंबर है अपार। और एक विशेष पहचान प्रणाली है जो भारत के सभी छात्रों के लिए लागू की गई है, यानी सभी छात्रों को, जितने भी स्टूडेंट्स है सभी को, चाहे निजी स्कूल में हो या सरकारी स्कूल में हो, सभी को ये अपार आईडी बनानी पड़ेगी। और ये पहल सरकार द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्र एक छात्र आईडी कार्यक्रम का हिस्सा है जो 2020 की राष्ट्रीय नई राष्ट्रीय नीति उसके अनुरूप है। अब अपर आईडी क्यों होनी चाहिए? तो ये 12 अंकों का जो स्पेशल कोड है, 12 अंकों की जो आईडी है, ये उनके सभी शैक्षणिक क्रेडिट्स को डिजिटल रूप में संग्रहित करने के लिए, प्रबंधित करने के लिए और एक्सेस में मदद करेगा। यानी आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आप कहीं भी ऑनलाइन डिजी लॉकर में देख सकते हैं इस अपर आईडी के माध्यम से, और जिसमें स्कोर कार्ड है, मार्कशीट है, ग्रेड शीट है, डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, पाठ्यचर्या उपलब्धियाँ, जितनी भी आपकी कोई उपलब्धियाँ वगैरह है, ये सारा, और ये सारा जो आईडी है वो शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक स्थायी डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करेगी। अब अपर आईडी की क्या विशेषता होगी? तो पहला तो ये कि ये 12 अंकों की आईडी होगी, यानी इसमें कुल 12 अंक लेटर होंगे और केंद्रीकृत प्रणाली है, यानी सारे रिकॉर्ड है, एजुकेशनल रिकॉर्ड है, वो एक स्थान पर प्रबंधित हो जाएंगे और क्रेडिट का स्थानांतरण हो सकेगा। संस्थानों के बीच में जो भी डिटेल्स स्टूडेंट से संबंधित है वो इसी के आधार पर शेयर की जाएगी। और आजीवन पहचान के रूप में ये आईडी है, क्योंकि एक स्टूडेंट की एक बार आईडी बनेगी, जैसे आधार नंबर है वो एक बार बन रहा है और उस आधार से आप सारे काम अब हो रहे हैं, तो उस तरीके से ये अपर आईडी है वो विद्यार्थी जीवन में उसके शैक्षणिक और पेशेवर कैरियर के दौरान उसके साथ हमेशा रहेगी। और इसके अतिरिक्त इसकी क्या विशेषताएँ कि छात्र की उपलब्धियों को संरक्षित करना, क्रेडिट मान्यता को सरल बनाना, शैक्षणिक लचीलेपन को बढ़ाना, संस्थानों के बीच में क्रेडिट स्थानांतरण को सुगम वगैरह बनाना, ये इसके उपयोगी है। अब इसको उपयोग में कैसे लेंगे या कैसे उपयोगी है? तो इसको ABC यानी अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स से और डिजी लॉकर से जोड़ा गया है। आपको पता होगा कि जो भी स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उनको ABC आईडी बनानी जरूरी होती है। इस संबंध में मैंने पहले भी कॉलेज स्टूडेंट के एडमिशन के संबंध में ABC आईडी कैसे क्रिएट करते हैं वीडियो बना रखे हैं। तो अपर आईडी बनने के बाद में उसकी ABC आईडी और डिजी लॉकर वगैरह से वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा और ये ऑनलाइन संग्रहण प्रणाली है जिसमें उसके स्टूडेंट के सभी परीक्षा के परिणाम, उसके जैसे 10वीं 12वीं की मार्क लिस्ट वगैरह, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, वो सारे प्राप्त कर सकते हैं। और ये सारा जो है वो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के माध्यम से प्राप्त करता है और एकल स्रोत के रूप में कार्य करेगा, जैसे ट्रांसफर, प्रवेश परीक्षाओं, दाखिले, नौकरी आवेदन के लिए प्रमाणीकरण की सरल प्रक्रिया सरल हो जाती है। यानी अब जैसे आपको बताओगे केंद्र सरकार की कई जो भर्तियाँ वगैरह आती है उसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होती, आप अपनी जो भी ABC आईडी या अपर आईडी अगर इंटर कर लेंगे तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में पड़े वहाँ से ऑटोमेटिकली उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो ये भी काफ़ी आसान हो जाएगा। और इसके क्या फ़ायदे हैं? तो इसमें एक तो ये द्वारा को समाप्त करता है, छात्रों को प्रगति को ट्रैक करके शैक्षणिक रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करता है और इसके अलावा गतिशीलता को सुविधाजनक बनाता है, शैक्षणिक लचीलापन है, छात्रों को अपनी पसंद के अनुसार मार्ग, शिक्षा का मार्ग चुनने का अधिकार देगा और सीखने की उपलब्धियों को मान्यता देगा। और चूंकि सभी प्रमाण पत्र साझा करने के लिए एक ही अपर आईडी की आवश्यकता होगी, तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपका हार्ड कॉपी कहीं खो जाए वगैरह तो उसका कोई डर नहीं है, क्योंकि सारा डिजी लॉकर में ऑनलाइन पढ़ा रहेगा। इसलिए एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण वगैरह होगा, प्रवेश परीक्षा होगी, दाखिला, नौकरी के लिए आवेदन वगैरह करेंगे, किसी भी काम के लिए आप इसको उपयोग में ले पाएंगे, तो बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी आपके लिए। और छात्रों को कैसे लाभ पहुंचाएगा? तो ये सारी बातें वही है कि इससे स्टूडेंट को बहुत सारी सुविधाएं होंगी। और इसके अलावा कौन कौन सी सुविधाएँ चिन्हित की गई है? तो दाखिला यानी एडमिशन में ये अपर आईडी काम आएगी, छात्रवृत्ति में भी काम आएगी, किसी प्रकार की छूट है, क्रेडिट अगर संकलन करना है, क्रेडिट निपटान करना है, क्रेडिट लेखांकन, एक संस्थान से दूसरे संस्थान में क्रेडिट का ट्रांसफर करना है, इंटर्नशिप वगैरह है, प्रमाण पत्र है, नौकरी के लिए आवेदन वगैरह करेंगे, शैक्षणिक रिकॉर्ड का सत्यापन वगैरह करना है, तो अब आपको हार्ड कॉपी वगैरह की आवश्यकता नहीं होगी, सारा काम अपार के माध्यम से हो जाएगा। और ये अपार जीवन भर की शिक्षा को समर्थन करता है, यानी प्रारंभिक शिक्षा लेकर उच्च शिक्षा और कैरियर तक, पेशेवर कैरियर तक सारा रिकॉर्ड है आपके इसमें जो भी है वो संकलित रहेगा। तो इस तरीके से ये अपार आईडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब बात करेंगे फॉर्म की। अब अपर आईडी को जैसे ये अपर है वो अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC है, उसके साथ भी एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड होगा और जिससे छात्रों को क्रेडिट जमा कराने, स्थानांतरित करने वगैरह में किस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये तो होगी अपर के संबंध में। अब कैसे प्राप्त करनी है, तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले तो आपको अभी जैसे जो भी स्टूडेंट अध्ययनरत है उनको विद्यालय में UDIS पोर्टल पे इनकी आईडी वो बना के दे दी जाएगी, उनको नोट करके रखना है। अब इसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए कि UDIS पोर्टल पे और विद्यालय रिकॉर्ड में और आधार में छात्र छात्रा का नाम वगैरह है वो सेम होना चाहिए, उसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। और अपर आईडी बनाने के लिए छात्र का PN नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर है, जो आपको UDIS पोर्टल पर मिलेगा और शाला दर्पण पोर्टल पर भी मिलेगा, ये ज़रूरी है। अब UDIS पोर्टल आपको पता है प्रत्येक विद्यालय का UDIS कोड है और उसके अनुसार प्रत्येक वर्ष इसका अपडेशन होता है, जो भी स्टूडेंट है या जो भी स्टूडेंट वगैरह उनको प्रोग्रेशन मॉड्यूल के माध्यम से कक्षांत किया जाता है। तो UDIS पोर्टल विद्यालय से संबंधित है। और अपर आईडी बनाने के लिए क्या क्या जानकारी आवश्यक है, एक इम्पोर्टेंट बात है कि अपर आईडी अगर आपको बनानी है तो उसके लिए विशिष्ट पहचान नंबर यानी PN नंबर जरूरी है, छात्र का नाम, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, माता पिता का नाम और आधार के अनुसार नाम और आधार संख्या, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। और इनमें अगर मिसमैच है तो आप आईडी जनरेट नहीं करें, पहले आप उसको सही करवाएं। और यदि अपर आईडी में विफलता होती है, त्रुटि का संदेश प्राप्त होता है, तो आपको अपने डिटेल्स से वो खास करके आधार वगैरह है उसको आपको सही कराना है, उसके बाद में प्राप्त हो जाएगी। और मैं किसी छात्र के लिए अपर आईडी निर्माण की स्थिति में कैसे जांच सकता हूं, तो इसके लिए मैंने कल ही वीडियो बनाया था। आपको UDIS पोर्टल पर जाकर के आप जैसे सर्च करेंगे तो जिस जिस स्टूडेंट की आईडी बनी होगी शो हो जाएगी, और नहीं बनी होगी तो आप उसको हाथों हाथ जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो भी ध्यान रखने वाली बातें मैंने वीडियो में कल विस्तार से बताई थी। तो अब इसको जैसे छात्र डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो जो भी UDIS पोर्टल पे है उस पर छात्र के है, उसके अभिभावक है, स्कूल प्रशासन और कक्षा अध्यापक सभी सुनिश्चित करेंगे कि उसकी जो डिटेल्स है वो सही हो, अपडेट हो। और अगर आपको या अपने स्टूडेंट को, उसके माता पिता को अगर कुछ भी कहीं गड़बड़ लगे तो आप विद्यालय से संपर्क करके उसकी सारी डिटेल्स सही करवाएं। इसके अलावा शिक्षण संस्थाएं वो अलग अलग क्रेडिट दाखिले के लिए, एडमिशन के लिए वगैरह के लिए, भर्ती के लिए सभी जगह अपर आईडी का उपयोग होगा। तो अब इसमें वेबसाइट भी दी हुई है अगर आपको इसके संबंध में कोई जानकारी चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो फॉर्म जो सहमति पत्र है, तो ये अपर आईडी बनाने के लिए विद्यार्थी के माता पिता एक से भरवाना है, या तो माता से भरवाना है या पिता से भरवाना है, या माता पिता उपस्थित नहीं है तो कोई कानूनी अभिभावक है तो उसकी सहमति आपको लेनी है। तो जिसमें विद्यालय का नाम आ जाएगा, स्टूडेंट का नाम आ जाए, यहाँ सहमति प्रदानकर्ता का नाम आ जाएगा यानी जो भी घोषणा कर रहे वो रक्त संबंधी यानी वो क्या है, पिता है, माता है या कानूनी संरक्षक है, वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ विद्यार्थी का नाम आ जाएगा और पहचान के रूप में यानी वो जो अभिभावक है वो क्या काम में ले रहे हैं, आधार ले रहे हैं तो आधार लिख दें, पैन कार्ड ले रहे हैं तो पैन कार्ड लिख दें, EPIC अगर चुनाव आयोग का पहचान पत्र है वो है तो वो लिख दें, पासपोर्ट है तो वो, और उसकी संख्या आईडी नंबर उसके लिख दें, जैसे यहाँ आधार लिख दें और आधार कार्ड के नंबर यहाँ इंटर करने, उसके बाद में ये सारी डिटेल्स है। तो इसको आप प्रिंट निकाल करके आप प्रत्येक बच्चों को दे दें, तो प्रत्येक बच्चा अपने माता पिता से सहमति लेकर के माता पिता की ये डिटेल्स, उनका नाम और खास करके उनके आईडी और आईडी के नंबर, क्योंकि ये मेंशन करने पड़ेंगे, ये जरूर लेके आए। और यहाँ से नीचे इनके भौतिक सहमति की तिथि और स्थान नोट करना है, लिखना है, और माता पिता विभाग जो भी है उनके यहाँ साइन करवाने। उसके बाद में विद्यालय के जो भी संस्था प्रधान होंगे वो विद्यालय के यहाँ संस्था प्रधान है वो साइन करेंगे। और ये फॉर्म में, ये पूरा फॉर्म आपको हार्ड कॉपी के रूप में विद्यालय में संधारित रखना है, या तो आप क्लास वाइज इसका एक फाइल बना लें, या पर आईडी के लिए जो भी अभिभावक की सहमति पत्र है वो बना लें। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी कि अपर आईडी क्या है, इसके संबंध में कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मैंने बता दिए, किस तरीके से बनेगी और आपको सहमति पत्र है वो कहाँ से मिलेगा। तो ये सहमति पत्र मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF ग्रुप में। और आपको पता है मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रत्येक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ले जाएगा, वहाँ से आपको ये फॉर्मेट है अपर आईडी का फॉर्मेट PDF ग्रुप में मिल जाएगा। तो ये सारी जानकारी और सारी PDF मैं वहाँ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से मिल जाए। तो और इसके अलावा मैंने कल ही पूरा एक वीडियो अपलोड करके एक स्टूडेंट की अपर आईडी बना करके पूरा लाइव प्रोसेस बताया, किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारी जानकारी दी है, तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन हो तुरंत आपको उसकी सूचना मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।